हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये रियली काफ़ी ज़्यादा हॉरर होने वाला है। एंड गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये रियली पहली वाली कुछ वीडियोस की तरह सुपर डुपर चोजी अमेजिंग वाली वीडियोस होने वाली हैं, क्योंकि गाइस ये वाली जो वीडियो है ये सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है अबाउट एन एपिसोड ऑफ सिनचैन। एंड गाइस, इस एपिसोड की इस चीज़ पर गाइस बिल्कुल भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मैं पहला हूँ इस चीज़ पर ध्यान देने वाला इस एपिसोड की। एपिसोड क्या है एंड वो क्या चीज़ है वो मैं आप सभी लोगों को वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना टू गेट बी शॉक बाय सिनचैन दिस एपिसोड। एंड गाइस, आई होप सो आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। एंड गाइज, इस एपिसोड को गाइज काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है इस चीज़ में। सो गाइज, जैसा हम सभी लोग गाइज हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने लाइकिंग के बारे में बात करते हैं, आज भी लाइकिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है गाइज 20 लाइक्स का लाइक है। आई होप सो आप सभी लोग इस पूरा करा दोगे। एंड गाइज, ये लाइक है मैंने इसीलिए बढ़ा लिया है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में देखा आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो आप बहुत जल्दी ऐसे लाइकिंग पूरा करवा दोगे आई नो। एंड गाइज, अब हम गाइज फाइनली अपनी गाइज जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड इन द स्टार्टिंग, इसको देखते ही गाइज आप सभी लोगों को पता चल गया होगा एपिसोड कौन सा है, या इट्स स्कूल है या भूत बंगला वाला एपिसोड, जो इसको गाइज इंडिया में रिलीज़ किया गया था। सिर्फ एक दो बार ये टेलीविज़न पर आया है, एयरटेल के टेलीविज़न्स पे ये शायद आज भी आता है, जो एयरटेल ब्रॉडकास्टिंग उस पर शायद ये आज भी आता है। सो ये जो एपिसोड है रियली काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। एंड ये एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। ये इतना हॉरर कि इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। अब आप लोग कहोगे वाह कार्टून से डर गया, एंड देन मैं आप लोग इस बताऊँ तो यार, जिसने भी ये एपिसोड टीवी पर और जापानीज लैंग्वेज में मेनली देखा है लाइक मी, तो उसे ही पता है कि ये एपिसोड सच में कितना फ्रीकिंग और क्रीपी एपिसोड है। एंड गाइज, आज चलो इस चीज़ को अभी के लिए हम से लोग छोड़ते हैं, बट गाइज जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर गाइज आज हम से लोग बात करने वाले हैं वो गाइज ये है इस एपिसोड के बारे में कि गाइज जो कजामा था उसको ये सब क्यों दिख रहा था, एंड उसके सपने में क्यों आया, एंड क्या उसके बाद भी यही सब उसके साथ होने वाला था जो हमें आगे का नहीं दिखाया गया, जो एनिमेशन ही नहीं बनाएगी, तो क्या सच में उसके साथ कुछ आगे ऐसा ही सच में होने वाला था। क्योंकि एपिसोड में हमें ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली में ये सब कजामा का सपना था, बट जब वो उठता है तो फिर सच में वैसा ही कुछ गाइज होने लग जाता है उसके साथ जब वो स्कूल की तरफ को पहुँच रहा होता है। सो ये गाइज आप से लोग गाइज आज मैं बताने वाला हूँ। एंड गाइज, ये एपिसोड सच में, ये जो बात है ये सच में आई डोंट नो मैंने कितनी ज़्यादा रिपीट किया, बट इसके बारे में जो तीन चार में जो चीज़ें आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीकिंग है। सो गाइस, बेसिकली मैं गाइस कुछ आप सभी लोगों को कुछ ऐसे सीन्स बताऊँगा जो ये बात दिखाएंगे कि एक्चुअली में जो कजामा था वो इस एपिसोड में किसी पैरेलल वर्ल्ड में चला गया था, एंड इस सपने के ख़त्म होने के बाद भी वो उसी पैरेलल वर्ल्ड में था, एंड उसने वो सपना गाइस पैरेलल वर्ल्ड में ही देखा था। एंड गाइस, ये जो बात है गाइस, जैसा आप लोगों को पता है पैरेलल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से थोड़ा अलग होता है, तो गाइस ऑड चीज़ें गाइस जो हैं सीन्स में दिखाई गई कुछ, वो गाइस मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा जो कि किसी ने भी नहीं देखी। सो गाइस, जो फर्स्ट सीन है जिसमें जो ऑड चीज़ है वो दिखाई गई है, वो गाइस काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, कदम से बता रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, क्योंकि हर एपिसोड में मेनली इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एंड शायद इसीलिए TVSI वालों ने इसी चीज़ को ऑड रखा था। सो गाइस, व्हाट्स द ऑड थिंग इज इन द फर्स्ट सीन, जब गाइस जो कजामा होता है वो अपनी बस पकड़ने के लिए नीचे पहुंचता है अपने अपार्टमेंट से फिर लिफ्ट के थ्रू, सो देन वहाँ में दिखाया जाता है कि उसकी जो बस है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, एंड वो अपने बस के डोर के सामने गाइस पहुँच जाता है। एंड गाइस वहाँ पे जो मात्सुजा का मैम होती है वो उस डोर को खोलती है, एंड जो कजामा होता है वो स्टार्टिंग में काफ़ी तो चौंक जाता है इस चीज़ को देख के कि आखिर मात्सुजा का मैम इस डोर पे क्यों है। एंड वो थोड़ी देर में वहीं खड़े खड़े मात्सुजा का मैम से पूछता है कि मैम आज योजना का मैम कहाँ गई, तो बताती हैं कि उनकी आज तबीयत ख़राब है, वो नहीं आई है, तो मैं उनकी जगह आई हूँ। एंड देन गाइज, हम सब लोग गाइज आप सब लोग सोचोगे कि हाँ यही और चीज़ है, एंड ये हमें पता थी तो उन्हें कुछ और ही बताने का हम सब लोग सोच रहे थे, बट ये चीज़ तो हमें पता थी और ऐसा हो सकता है सच में कि योशिना का मैम बीमार हो, बट गाइज ये वो चीज़ नहीं है जो और है। सो गाइज, और चीज़ शायद अब आप सब लोगों ने देख ली हो,
क्योंकि जो सीन है वो पूरा का पूरा स्टैटिक है, इमेज है, क्योंकि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था यहाँ पे। और गाइज ये आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा इस चीज़ को जो ऑड है, तो वो ये चीज़ है जो ऑड है यहाँ पे, कि गाइज यहाँ पर प्रिंसिपल सर होने चाहिए थे, क्योंकि जैसा हम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल सर ही स्कूल की बस को ड्राइव करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई एडिशनल ड्राइवर नहीं है बस के लिए, तो वही इस स्कूल बस को ड्राइव करते हैं। बट गाइस यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्यों नहीं है? अब आप से लोग सोचोगे, हो सकता है कि जो मासुदागा मैम यहाँ है एंड योशिनागा मैम स्कूल से मिसिंग है, तो जो प्रिंसिपल सर है मासुदागा मैम का काम संभाल रहे हो, बट तब भी ये ड्राइवर कहाँ से आया, ये बात सोचो। एंड इवन ये ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी दिख रहा है, एंड ऐसा लगता है सारे फसाद की जड़ यही है। एंड देन गाइस सो बेसिकली आप लोग समझ सकते हो कि आखिर ये ड्राइवर कहाँ से आया। सो गाइस ये एक और चीज़ है, एंड गाइस इस ड्राइवर के बारे में मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को गाइस दिखा देता हूँ अभी। सो गाइस जैसा आप लोग गाइस यहाँ पे देखो इस सीन में, कि यहाँ पे ये मतलब स्टार्टिंग का सीन है जब इस ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखाई गई थी, तो इस ड्राइवर के गाइस हाथ आप लोग देखो रियली काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, ओके है। एंड देन गाइस हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीन की तरफ, जहाँ पे हमें एक और ऑड चीज़ दिखाई गई है। एंड ये ऑड चीज़ पूरे एपिसोड की इस सीन से पहले की पूरी रील से कनेक्टेड है। एंड गाइस जो ऑड चीज़ है वो गाइस तब हमसे लोग दिखाई गई थी जब ये लोग स्कूल के अंदर गए थे, एंड इनके ऊपर लाइट मार रहा था कोई, एंड इन्हें वॉशरूम में से आवाज़ें आती हैं। सो गाइस जब ये वॉशरूम में जाते हैं तो छत पर से गाइस कुछ मूर्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, एंड गाइस बहुत सारी मूर्तियाँ आती है। सो एक ही मूर्ति को कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, पर मैंने आप लोग से इन मूर्तियों को स्पॉट किया। एंड गाइस ये जो मूर्ति है आप से लोग गाइस देख सकते हो, आप लोग पहचान ही गए होंगे कौन है ये, दिस इज बो सुजुकी। यस गाइस, एंड ये यहाँ पे पत्थर दिख रहा है, पत्थर में आप से लोग गाइस बो सुजुकी दिखाया गया है। अब गाइस आप से लोग कहोगे बो तो स्कूल में था तो ये चीज़ कैसे इंटरकनेक्टेड है, बट कि गाइस इस एपिसोड में गाइस जो बो है वो स्कूल आते हुए दिखाया ही नहीं गया है, और कोई इवन पूछता भी नहीं है कि बो कहाँ है। मतलब जब कदामा एंटर किया तो उसने पूछा भी नहीं अपने फ्रेंड से कि बो कहाँ है, और कोई भी नहीं जानता बो के बारे में इस एपिसोड में। लोगों को ऐसा सा दिखाया कि बो की कोई एसेंस ही नहीं इन सभी लोगों ने देख रखी इस एपिसोड में। एंड देन गाइस हम लोगों को जैसा दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, कि मासुदागा मैम की काफ़ी ज़्यादा डरावनी शक्ल कदामा देखता है, एंड जिस शक्ल से जो कदामा होता है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड जो उसकी जो मॉम होती है वो वहाँ पे आती है जब कदामा चिल्ला रहा होता है, और फिर उसकी मॉम कदामा से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। सो गाइस अब गाइस यहाँ पे भी एक छोटी सी और चीज़ है, बट आई डोंट थिंक सो ये इतनी ज़्यादा बड़ी और चीज़ है, बट ये छोटी सी है तो मैंने सोचा आप लोग चलो दिखाई देता हूँ। एंड ये छोटी सी जो और चीज़ है ये कदामा की मॉम की वॉइस के साथ है, तो मैं आप लोगों का अभी ये दो वॉइस सुनाऊँगा, एंड इन दोनों वॉइस को आपसे लोग ध्यान से सुनना। सो सुन लो, देख रहे हो कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? मैं कहा हूँ? ओहो तुम अपने घर में हो बेटा, चलो चलो जल्दी उठो, आज स्कूल का पहला दिन है ना। ठीक है, तुम्हारे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं, जाने से पहले शैम्पू जरूर कर ले। सो गाइज आई थिंक सो आप से लोगों ने गाइज ये जो वॉइस थी ये सुन ली होगी, एंड जैसा आप से लोगों ने गाइज यहाँ पे जो कजामा की जो मॉम की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी सुनी है, बट गाइज एक्चुअली में उनकी जो आवाज़ है हम सभी लोगों को पता है कि गाइज काफ़ी ज़्यादा डेंसी सी आवाज़ है। एंड मैं आप से लोगों को जो रियल वॉइस है वो भी अभी सुना देता हूँ कजामा की मॉम की जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक है, तो ये लो ये वाली वॉइस भी आप से लोग सुन सकते हो। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग आंटी, आप कैसी हैं? यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज के दिन मैं आपके साथ ही हूँ, आपको जो भी चाहिए मुझे बता देना। सो गाइस दिस वाज द सीन जो अभी मेरे को आप लोग दिखाना था छोटा सा। अब गाइस हम लोग गाइस अपने लास्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं, जब गाइस कजामा उठ के गाइस अपने स्कूल के लिए रियलिटी में जा रहा होता है अपने सपने के बाद, एंड देन गाइस सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो गाइस रिपीट हो रही होती हैं। एंड गाइस अब जो मैं प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब जो चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे ऑड वन आउट, वो पहले ही उसके सपने की तरह ही है सब कुछ यहाँ पे, एंड दिस प्रूव्स दैट कि ये पैरेलल वर्ल्ड में था। जैसा हम लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो मासुदागा मैम होती है वो गेट खोलती है, एंड कजामा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सो गाइस ये चीज़ सच में भी हो सकती है, बट गाइस जो असलियत में गाइस जो चीज़ थी, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि किंडरगार्टन के पास कोई भी ऐसा सेपरेट ड्राइवर नहीं है बस के लिए, तो वो ड्राइवर इस एपिसोड में भी है, बट गाइस इस एपिसोड के इस साइड में मतलब इस रीजन में भी है वो।
सो ये आप लोग देख सकते हैं जो स्पॉटेड पॉइंट्स हैं उनमें देखो कि ये जो ग्लव्स है एंड ये थोड़ा सा उसके कैप का बेल्ट दिख रहा है उसका, बट गाइस हमें उसका फेस नहीं दिखाया गया इस सीन में। सो बट यही वो वही ड्राइवर है जो इसमें बैठा हुआ है गाइस, क्योंकि गाइस जो प्रिंसिपल सर है वो कभी भी ग्लव्स नहीं पहनते ड्राइविंग करते हैं, आप कोई भी एपिसोड देख लो। सो आई होप सो आप लोग गाइस आज की जो वीडियो है पसंद आई हो, एंड जैसा मैंने लास्ट सीन में कहा कि गाइस जो कजामा था वो उठने के बाद भी उसी दुनिया में था जिसके ऊपर वो सपना देख रहा था, जैसा हम लोग गाइस सिंचन के एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि गाइस जो हमारा जो मेन जो जिसके ये सपने आते हैं ऐसे ऐसे, तो उसके पास उठने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो उस सपने से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एंड कजामा के पास भी कुछ पत्थर के पीसेस थे बालों में। सो गाइस बट इस एपिसोड में तो पूरा ही गाइस सामने क्लू दिखाया गया कि वो एक्चुअली में उसी में था। सो कजामा के साथ शायद बाद में कुछ बुरा हुआ। सो आई होप सो आप लोग आज की वीडियो पसंद आई हो, तब तक के लिए मिलता हूँ उसी।